व्रत के दही बड़े बनाने के लिए 1 कप समा के चावल और 1/4 कप साबूदाने को 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखेंगे। 5 घंटे बाद इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। इसमें थोड़ी अदरक, 2 हरी मिर्च, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून सेंधा नमक ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड करके एक पैन में डाल देंगे। इसमें 1 बॉईल आलू को घिस कर डाल देंगे और थोड़ा नमक डालकर इसे मिक्स कर देंगे। इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक इसका डो ना बन जाए। गैस को बंद कर देंगे और फिर जब यह हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसके छोटे छोटे बॉल बनाकर इसे गरम तेल में डाल देंगे। इन वड़ों को हमें धीमी आंच पर फ्राई करना है और इन्हें तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनका गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर हमारे वड़े फ्राई हो गए हैं और अभी हमें इसे बारी बारी करके पानी में डाल देना है। 1/2 घंटे के बाद हमें इसे हल्का सा निचोड़ के सर्विंग बाउल में रखना है और इन वड़ों के ऊपर मीठा दही, हरी चटनी, इमली की चटनी और मसाला डालकर इसे सर्व करना है। इस दही वड़े का डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। व्रत के दही वड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।